हाय दोस्तों, मैं हूं तन्मय और स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल तन्मय सेल्फ क्रिएशन को। तो दोस्तों, आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं, जो कि जो ATMM का सीरीज लाइट में बनाकर आज दिखाऊंगा, जो RGB मॉडल का होगा। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैं बहुत सारा सीरीज लाइट का ऊपर वीडियो बना चुका हूं, वो 5mm का मल्टी कलर का और 5mm मल्टी कलर का और ATMM सिंगल कलर का। तो आज मैं आपको जो बताऊंगा तो वो है 80mm जो डायमंड LED। देखिए, ये वाला जो RGB का है, मैं तो पहले से ही जो वीडियो डाल चुका हूँ, 80mm जो सिंगल कलर होता है, सही वही कलर का ऊपर मैं वीडियो डाल चुका हूँ। आज मैं जो डालूंगा ये RGB का, लेकिन मतलब ये रेड, ग्रीन, ब्लू, व्हाइट ऐसे तरह स्टेप बाय स्टेप रहेगा ये जो सीरीज लाइट। तो इसका अंदर आपको 50 LED सीरीज में लगाना होगा। तो दोस्तों, ऐसे तरह रहेगा ये लाइट, मैं आपको बताकर दिखाऊंगा। तो दोस्तों, मेरा चैनल में बहुत सारा वीडियो डाल चुका हूँ, इंटरेस्टिंग वीडियो और क्रिएटिव आइडिया का ऊपर वीडियो, तो एक बार जाकर देख लीजिए उस वीडियो को, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करके बताना उस वीडियो के साथ। तो दोस्तों, चलते हैं, शुरू करते हैं इस वीडियो को, कैसे तैयार करते हैं। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले मेरा आपको एक रिक्वेस्ट है, तो अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मेरे चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर दीजिए, और पास में जो बेल आइकन है उसको दबा देना। बेल आइकन को प्रेस करने के बाद उसका जो ऑल वाला नोटिफिकेशन को प्रेस कर देना, क्योंकि जब भी मैं नया नया सीरीज लाइट का ऊपर मैं डालूंगा, जो भी मैं इंटरेस्टिंग वीडियो डालने वाला हूं, वही आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, और एक बात आपको कहना चाहता हूं कि आप सीरीज लाइट का ऊपर सीरीज लाइट तैयार करना चाहते हो और उसका ऊपर बिजनेस करना चाहते हो, सीरीज लाइट बेचकर आपको बिजनेस करना चाहते हो, तो मेरे साथ कॉन्टैक्ट कीजिए। तो हमारे पास सीरीज लाइट का सभी मटेरियल, A to Z सभी मटेरियल यहाँ पे मिल रहा है। तो हमको सिर्फ वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, और व्हाट्सएप नंबर भी मैं दे चुका हूँ, यहाँ पे जो व्हाट्सएप नंबर देख रही है वहीं पे भी मैसेज कर सकते हो। आपको कोई सामान चाहिए तो मुझे कमेंट करो, और मुझे मैसेज भी कर सकते हो, मैं उसका प्राइस बता देकर आप भी ले सकते हो, मैं कुरियर से जरिए आपके पास पहुँच दूँगा। तो दोस्तों, चलते तो दोस्तों, उस लाइट को बनाने से पहले तो उसका लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए और जो चीज़ इसके लिए चाहिए, तो उसके ऊपर मैं पहले बात कर रहा हूँ, उसके बाद मैं लाइट बनाऊंगा। तो दोस्तों, आपको जो उसका केप लेना होगा, देखिए इस एक पैकेट में ये आपको 500 मिल जाएगा केप, ये इसी तरह रहेगा केप। ये जो केप आ रहा है, सभी कलर का केप ये अवेलेबल हो रहा है, तो कैप ऐसे तरह दिखेगा, देखिए ऐसे तरह दिखेगा, और ऐसे तरह भी कैप आ रहा है, वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो ये कैप मेरे पास अवेलेबल है। तो सभी कलर का कैप आपको ऐसे तरह ये मिल जाएगा, देखिए ये रेड, ग्रीन, वाइट और ब्लू, और ये मैं वार्म हाइट का ऊपर वीडियो जो पहले ही बना चुका हूँ, वही जो पैकेट में खोल चुका हूँ, ऐसे तरह आपको दिखेगा वार्म हाइट कलर का ये कैप। और उसके लिए जो LED चाहिए दोस्तों, देखिए ये तो कैप चला गया, उसके बाद देखिए ये LED, ये डायमंड का LED है। तो आप सिंपल सा कलर, सिंपल वाला LED देखिए ऐसे तरह जो दिखा रहा है, वही वाला LED भी आप ले सकते हो। तो अभी जो टेक्नोलॉजी आ रहा है और अभी जो LED आ रहा है, ये डायमंड का LED आ रहा है, देखिए ये कैप जो होता है ना, ये वाला जो कैप होता है ये डायमंड जैसा दिख रहा है, उसको अंदर सिंपल सा कलर का आपको LED लगाना चाहिए, उसके ऊपर जो डायमंड वाला कैप लगाना चाहिए, वो बहुत ही कॉस्टली हो जाएगा। इसलिए जो अभी जो LED आ रहा है, ये देखिए एक बार डायमंड जैसा दिख रहा है, ये LED आ रहा है, देखिए इसी तरह, देखिए ये डायमंड जैसा आ रहा है, ये एक ही पैकेट में 500 पीस आ रहा है, ये 80mm का है। तो ये रेड कलर के लिए, रेड कलर कैप के लिए ये मैं रेड कलर का लाइट ले चुका हूँ, और ग्रीन कलर के लिए ग्रीन कलर का, और सभी कलर, वाइट कलर के लिए वाइट कलर, और ये ब्लू कलर के लिए ब्लू कलर, ये लगभग ये 5 ही कलर में आ रहा है ये लाइट। तो आप जो भी सामान आपको नहीं मिल रहा है तो मुझे कांटेक्ट कीजिए, तो मुझे कमेंट भी कर दीजिए वीडियो का नीचे, और मेरा व्हाट्सअप नंबर भी ले जाइए, यहाँ पर है, तो मुझे कमेंट करके बताओ कि मुझे ये सामान चाहिए, तो मैं आपको कोरियर से भेज दूँगा, तो वो भी हम दे देंगे। तो ये तो लाइट और LED और जो कैप का बात चला गया, उसके बाद आपको लिए जो चाहिए ये देखिए ये वाला जो तार है, तो देखिए ये वाला जो तार आपको लेना पड़ेगा।
ये देखिए YRC का इसका नंबर जो ये वाला है, ये YRC का हो यार 7x36 का तार है। तो ऐसे तरह आपको ये एक ही बंडल में 90 मीटर के आसपास ये तार रह रहा है। तो ये तार आपको लेना चाहिए। तार लेने के बाद आपको सर्किट लेना होगा। तो दोस्तों उस जो सर्किट चलेगा, ये जो सर्किट डिजाइन हो रहा है देखिए ऐसे तरह, ये जो सर्किट डिजाइन हो रहा है तो ये बाज़ार में और मार्केट में भी ये मिल रहा है। आप खुद ही बना सकते हो, मैं वीडियो भी इसका ऊपर डाल चुका हूँ। उस सर्किट को आप कैसे तैयार करेंगे उसका ऊपर भी जो वीडियो डाल चुका हूँ, वो जाकर पहले देख लीजिए और वो सर्किट कैसे तैयार होता है। तो ऐसे तरह आपको सर्किट भी मिल जाएगा। तो सर्किट के बाद उस सर्किट को जो हम लगाएंगे उसका डिब्बा, जो उसका सर्किट का बॉक्स, तो ऐसे तरह ये मिलेगा। क्योंकि ये सर्किट बड़ा वाला है तो ये डिब्बा के अंदर ऐसे घुस जाएगा और उसके बाद इस ठिप्पी को टाइट कर दीजिए। तो ऐसे तरह ये सर्किट का डिब्बा हो गया। तो बेसिकली इस चैन, ये जो सीरीज लाइट बनाएंगे हम, इसी चीज़ स्ट्रिप चाहिए। तो देखिए ये सभी चीज़ यहाँ पे भी हमारे पास अवेलेबल है। आप ख़रीदने चाहोगे तो आप ख़रीद कर भी ले सकते हो। तो हम जो, और दोस्तों सोल्डरिंग आयरन, जो सोल्डरिंग करेंगे, सोल्डरिंग आयरन तो आपके पास होगा। तो ये देखिए ये हमारा सोल्डर है और ये सोल्डर का पेस्ट। और आपको एक मैं बात बताना चाहूँगा, ये क्विक फिक्स का आप सोल्डरिंग पेस्ट ले जाइए, वो बहुत ही अच्छा रहेगा। और ये जो सोल्डर आप ख़रीद रहे हैं ना दुकान में, तो आपको दोनों तरह की, ये देखिए दोनों तरह की आप सोल्डर आ रहा है। ये सोल्डर अच्छा नहीं है और ये वाला सोल्डर अच्छा है, आपको अच्छे से देखकर लेना पड़ेगा। तो दोस्तों ये तो चला गया सोल्डर और उसका जो सामान चाहिए। तो लाइट बनाने से पहले आपको तार जो लेंगे, ये वाला जो तार, ये जो तार लेंगे, वही तार को खोलकर ऐसे देखिए ऐसे तरह खोल दीजिए। खोलकर उसको ऐसे तरह कट पीस कर दीजिए। ये 10 इंच से 12 इंच का लंबा होगा, उसी तरह कट करके टुकड़ा टुकड़ा करके ऐसे तरह कर दीजिए और इसे तरह बंडल कर दीजिए। तो दोस्तों देखिए ये तो मेरा ग्रीन कलर का है, तो आपको येलो कलर में पहले से ही काट के रखा हूँ, तो ऐसे तरह आपको बंडल कर देना होगा। तो ये तो तार के लिए चला गया। और दोस्तों वो जो लाइट हम बनाएंगे उसके लिए आपको ये स्टैंड लेना होगा। तो देखिए ये स्टैंड को अच्छे से देखिए, स्टैंड के ऊपर भी मैं वीडियो डाल चुका हूँ, वो स्टैंड को आप देख लीजिए। ये मेरा बैटरी क्लैंप है, बैटरी क्लैंप के मदद से मैं ये स्टैंड करके रखा हूँ। तो दोस्तों ये मेरा 12 बैटरी क्लैंप जो है 12 पीस है, तो एक ही बार मैं 12 पीस को 12 LED को सीरीज में लगाऊंगा, इसलिए मैं स्टैंड रखा हूँ। और स्टैंड का पीछे जो हो रहा है, तो आप सिंगल कलर LED करना चाहेंगे तो मैं पिछले वाली वीडियो में मैं बता रहा था, वो वार्म हाइट जो डायमंड होता है ना, वो जो 8mm का वार्म हाइट कलर का सिंगल कलर, वही इसी स्टैंड में बता रहा था, इसलिए मैं इसको सेलो टेप से रखा हूँ। तो हम जो अभी करेंगे जो लाइट, वो मैं मल्टी कलर करूँगा, क्योंकि ये रेड ग्रीन ब्लू वाइट वार्म हाइट ऐसे तरह स्टेप बाय स्टेप रहेगा वो लाइट, इसलिए मैं इस यहाँ पे मार्किंग करूँगा उस लाइट के उस मार्कर से जरिए। मैं यहाँ पे मार्किंग करूँगा और मार्किंग करने के बाद उसी मार्किंग के जरिए मैं उस लाइट को लगाऊँगा और उसको सीरीज में लगाऊँगा, तो वो भी मैं बताऊँगा। तो ये स्टैंड को पहले रख दीजिए। तो जो मल्टी कलर लाइट अब बनाएंगे, तो उसका मेथड मैं कैसे तरह आपको बता रहा हूँ देखिए। तो दोस्तों वीडियो देखने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो इसलिए सॉरी मांग रहा हूँ। तो आपको अच्छे से समझने के लिए मैं वीडियो को कोई भी स्किप नहीं करूँगा, आपको अच्छे से समझने के लिए मैं वीडियो को धीरे धीरे करके चलाऊँगा। तो दोस्तों ये देखिए मेरा ब्लू कलर का 8mm का लाइट है, तो इस पॉकेट को मैं खोल देता हूँ। खोल देने के बाद तो ये जो मेरा ये जो बॉक्स ले रही है, देखिए 1 2 3 4 5 जगह है और इसका बीट बाय बीट इसको डिवाइड हो चुका है। तो यहाँ पे जो जगह में आपको ये जो LED को 1x1 करके रखना होगा, ब्लू कलर यहाँ पे और ग्रीन कलर रेड कलर ऐसे करके आपको रखना होगा। रखने के बाद यहाँ पे आपको मार्कर से नेम को लिख दीजिए, क्योंकि आपको जो स्टैंड में जो लगाएंगे लाइट को, वो आपको बहुत ही आसान होगा उसको लगाने के लिए। तो मैं ब्लू कलर का लाइट
यहाँ पे लेकर यहाँ पे रख देता हूँ। देखिए ऐसे तरह करके रखा हूँ, ये मेरा ब्लू कलर का लाइट है। तो सभी LED को खोलकर यहाँ पे रख देता हूँ, रख देने के बाद मैं आपको वीडियो बता रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए सभी लाइट को मैं खोल कर रखा हूँ। आपको देखिए यहाँ पे मैं मार्कर से जरिए मैं कलर लग देता हूँ। ये मेरा ब्लू कलर का डायमंड LED है, इस जो पार्ट में रह रहा है ये ब्लू कलर का ब्लू, और ये व्हाइट कलर का व्हाइट, और ये ग्रीन कलर का ग्रीन, और रेड कलर का रेड, और वार्म व्हाइट के लिए वार्म व्हाइट। तो ये सभी LED लगा रखा हूँ। आपको ध्यान देना होगा अच्छे से, ये जो आपस में नहीं मिल जाए, जो LED ये आपस में नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ये जो मैं कर रहा हूँ मुझे आसान होने के लिए मैं यहाँ पे इसके रखा हूँ। उसके बाद आपको जो कैप रखना होगा, तो कैप क्या बाद में रखेंगे, तो पहले इस जो LED को हम टेस्ट करेंगे कैसे जल रहा है। तो मैं आपको ये बताना भूल गया था, तो आप अभी देख लीजिए। तो मेरा जो ब्लू कलर है, देखिए ये ब्लू कलर ऐसे तरह जलेगा। आपको 4 वोल्ट में लगाना होगा, और उसको रजिस्टर चाहिए 220 और 320 ओम का रजिस्टर चाहिए। तो दोस्तों कि देखिए ब्लू कलर का लाइट ऐसे तरह जलेगा, लाइट थोड़ा ऑफ कर देता हूँ। तो ये मेरा ब्लू कलर का लाइट ऐसे तरह चलेगा। देखिए ये ऊपर की तरह आ रहा है, एक बढ़िया सा लाइट ऊपर तरह दिख रहा है, और दूर से भी ये ब्लू कलर जो दिख रहा है ऐसे तरह चलेगा वो लाइट। उसके बाद जो आपको वार्म हाइट चलेगा गोल्डन कलर का, तो ऐसे तरह आपको देखना चाहिए, ये गोल्डन कलर ऐसे तरह चलेगा। और जो बात करूँगा व्हाइट कलर, और व्हाइट कलर भी ऐसे तरह ये जलेगा। देखिए सभी कलर का ऐसे तरह ठीक जलेगा। और एक बात आपको दोस्तों ध्यान देना होगा कि मान लो कि हमारा जो LED आप नहीं पहचाना पा रहे हैं, तो आपको अच्छे से पहचाने के लिए मैं आपको एक बढ़िया सा ट्रिक बता रहा हूँ। ये मेरा व्हाइट कलर का LED, आप व्हाइट कलर कैसे जानेंगे, तो देखिए इसका अंदर अच्छे से देखिए यहाँ पे, तो ये व्हाइट कलर जैसा दिख रहा है। देखिए ना, इसका अंदर जो व्हाइट कलर जैसा दिख रहा है वही जो है हमारा व्हाइट कलर का LED है। और आपको व्हाइट कलर अच्छे से पहचान सकते हो। और वार्म हाइट के लिए देखिए येलो कलर का दिख रहा है इसका अंदर। तो और जो रेड कलर है, रेड कलर के लिए भी आप नहीं पहचाना पाएंगे, ग्रीन ब्लू रेड आपको नहीं पहचाना पाइए, और जो व्हाइट और वार्म हाइट आपको अच्छे से देखना चाहिए। तो उसके बाद जो आ रहा है दोस्तों, उसके बाद जो लेंगे हम, तो ये स्टैंड लेना होगा। तो स्टैंड को आपको कैसे तरह रखना होगा दोस्तों, देखिए पहले मैं आपको मार्किंग करके देख रहा हूँ। हम जो लाइट जहाँ रख रहे हैं, तो पहले मैं वार्म हाइट लगाऊंगा, लाइट जो LED लगाऊंगा यहाँ पे, पहले वार्म हाइट यहाँ पे आपको अच्छे से देखना होगा। पहले वार्म हाइट लगाऊंगा, उसके बाद ब्लू लगाऊंगा, उसके बाद व्हाइट लगाऊंगा, उसके बाद ग्रीन, उसके बाद रेड। तो ऐसे तरह करके आपको रखना चाहिए। ये जो घुमा घुमा के यहाँ पे आप लाइट ले सकते हो उसी वही चीज़ से। तो पहले आपको यहाँ पे देखना होगा, तो यहाँ पे मैं रखा हूँ मेरा वार्म हाइट पहले लगाऊंगा। तो ये WW है, मतलब वार्म हाइट। तो यहाँ पे मैं WW देख रहा हूँ, तो ये WW के लिए ये वाला जो क्लैंप है। उसके बाद वार्म हाइट के बाद आपको ब्लू कलर, ये देखिए ब्लू कलर लगाऊंगा। तो ब्लू कलर में यहाँ पे WW के बाद ये ब्लू कलर मेरा B लग दीजिए, वो ब्लू कलर हो जाएगा। उसके बाद व्हाइट के लिए, इस क्लैंप के लिए व्हाइट में लगाऊंगा। उसके बाद जो ग्रीन कलर है, उसके बाद जो मैं ग्रीन लगाऊंगा, यहाँ पे ग्रीन लिखा हूँ, ग्रीन के बाद रेड। तो देखिए ऐसे तरह हो जाएगा ना हमारा सभी 5 कलर LED ऐसे तरह रहेगा। उसके बाद आपको वार्म व्हाइट लेना होगा, उसके बाद ब्लू लेना होगा, उसके बाद व्हाइट लेना होगा, उसके बाद ग्रीन लेना होगा, उसके बाद रेड लेना होगा, फिर उसके बाद वार्म व्हाइट लेना होगा, फिर उसके बाद ब्लू लेना होगा। तो देखिए ऐसे तरह हो गया। फिर उसके स्टेप 2 में अब मैं बाद में बताऊंगा, लाइट जब लगाऊंगा वहीं पे मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारा लाइट, और इसको कनेक्शन कैसे करूंगा, वो तो कनेक्शन भी मैं पहले से ही वीडियो आपको बता रहा हूँ। तो कनेक्शन वही होगा, सिर्फ यहाँ आपको अच्छे से देखना होगा। तो जिस स्टेप बाय स्टेप आप लगाएंगे, वार्म व्हाइट, ब्लू व्हाइट, उसके बाद ग्रीन, उसके बाद रेड, ऐसे तरह आपको जो लगाना चाहिए आपको अच्छे से ध्यान देना होगा कैसे तरह लग रहा है। तो कैप को भी आप ऐसे तरह रखिए। मान लो कि मेरा वार्म हाइट होगा, तो वार्म हाइट के लिए ये वाला कैप मैं ले रहा हूँ, ये देखिए ये वाला कैप मैं ले रहा हूँ, उसको पहले यहाँ पर रख दीजिए।
वार्म हाइट के बाद आपको ब्लू कलर चाहिए, ब्लू कलर के बाद ये देखिए ब्लू कलर में रखा हूँ, ब्लू कलर के बाद आपको व्हाइट कलर चाहिए, ये देखिए मेरा व्हाइट कलर चार या फिर रखा हूँ, और उसके बाद ग्रीन कलर, ग्रीन के बाद रेड। तो ये भी स्टेप बाई स्टेप आपको खोल दीजिए और आपको बहुत ही आसान होगा आपको सोल्डरिंग करने का, कोई बीच में कोई दिक्कत होने वाला नहीं है कि मेरा ये वाला लाइट यहाँ पे मिस किया और ये वाला लाइट यहाँ पे चला गया, वो आपको कोई दिक्कत नहीं चाहिए। आपको प्रोसेस में एक ही प्रोसेस में आपको करना होगा, ये बहुत ही आसान है। तो चल उसके बाद शुरू करते हैं दोस्तों, उसका लाइट कैसे लगाएंगे और उसका जो कनेक्शन कैसे करेंगे, तो चलते हैं शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं केब को ऐसे तरह देखिए साइज में करके रखा हूँ, ये मेरा वार्म हाइट ब्लू वाइट ग्रीन और रेड ऐसे तरह रहेगा। तो उसके बाद आपको पहले LED को लगाना चाहिए। तो दोस्तों LED को आप कैसे लगाएंगे, तो मैं पहले से ही जो वीडियो डाल चुका हूँ वहीं पे भी मैं आपको दिखा रहा था कि LED को कैसे कनेक्शन जो सॉरी आपको पॉजिटिव नेगेटिव कैसे जानेंगे। तो ये तो हमारा जो बड़ा वाला LED है, ये देखिए इतना बड़ा आपको जो लीड हो रहा है ना, ये जो बड़ा वाला लीड है ये इसका पॉजिटिव और छोटा वाला जो लीड है इसका नेगेटिव। तो ये जो मैं LED में लगा रखा हूँ ये आपको कट कर देता हूँ बीच में, क्योंकि यहाँ पे जो बीच में कट करता हूँ क्योंकि इसका अंदर जो कैप निकलेगा, तो देखिए कैप के आर पार हो रहा है, उसको सोल्डरिंग करने में ये यहाँ पे करंट आपको लग सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक आपको लग सकता है, इसलिए मैं छोटा कर देता हूँ। देखिए ऐसे तरह आपको छोटा कर देता हूँ क्योंकि ये आगे में नहीं निकल रहा है। तो ये जो छोटा कर देने के बाद आपको ये कैसे पहचानेंगे कि ये वाला पॉजिटिव किस लीड का है और नेगेटिव किस वाला लीड का है, तो देखिए इसका अंदर देखिए दो जो उसका दो सिल्वर आ रहा है, देखिए इसका अंदर एक बड़ा वाला है और एक छोटा वाला है। तो देख रही है ना कि जो बड़ा वाला का साइज में जो आ रहा है ये लीड, वही आपका नेगेटिव होगा, और छोटा वाला जो उसका अंदर जो छोटा वाला दिख रहा है ना सिल्वर, उसका लगकर जो लीड आ रहा है वो उसका पॉजिटिव आएगा। तो आपको जो LED यहाँ पे लगाना होगा, आपको एक बार ध्यान देना होगा कि ये वहीं इस जगह पे आपको अच्छे से देखना होगा। तो मैं कैसे इस लाइट को लगा रखा हूँ, तो आपको सोल्डरिंग करने में बहुत ही आसान होगा, एक बार इस मेथड में करिए तो आपको आसान होगा, तो मुझे कमेंट करके बताना। तो ये मैं पहले वार्म हाइट ले रखा हूँ ये लाइट, तो इसका जो पॉजिटिव मैं दाएं तरफ रखूँगा, इस वाली क्लैंप मेरा वार्म हाइट है, तो ये वार्म हाइट लेकर मैं दाएं तरफ रखा हूँ। उसके बाद जो ब्लू आ रहा है, तो देखिए ये मेरा ब्लू वाला है, ये देखिए मेरा ब्लू, ब्लू के जो पॉजिटिव है उसका ब्लू के क्लैंप के जरिए उसके पास लगाऊंगा और उसका भी पॉजिटिव साइड राइट साइड होगा। उसके बाद जो होता है वह व्हाइट कलर भी ले जाऊँगा उसके व्हाइट कलर क्लैंप पे लगाऊंगा। उसके बाद जो आ रहा है ग्रीन कलर को भी ग्रीन कलर क्लैंप के साथ लगाऊंगा, और ग्रीन के बाद जो आ रहा है रेड कलर, देखिए ऐसे तरह इसको घुमाएंगे और वो कलर आपके पास बन जाएगा। तो रेड के बाद वार्म हाइट, ऐसे तरह करके सभी लाइट को आपको अच्छे से लगा देना चाहिए। तो मैं लगा कर आपको दिखा रहा हूँ, तो देखिए सभी LED का मैं लगा रखा हूँ। तो आपको एक बार भी मैं आपको बता रहा हूँ, आपको टेस्ट पहले कर दीजिए, आपको जो सोल्डरिंग करने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको टेस्ट नहीं करना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि टेस्ट करके मैं कैसे आपको दिखा रहा हूँ। तो ये मेरा नेगेटिव उस साइड रहेगा और राइट साइड मेरा पॉजिटिव, देखिए ये मेरा राइट साइड अभी देखिए गोल्डन कलर जल रहा है, तो मैं थोड़ा लाइट अप कर देता हूँ आपको अच्छे से देखा जाएगा। और ब्लू कलर के जगह ब्लू कलर भी लगा रखा हूँ, देखिए सभी का ये मेरा पॉजिटिव है और ये मेरा नेगेटिव है, नेगेटिव सभी बाएँ तरफ रखा हूँ और दाएँ तरफ उसका पॉजिटिव, देखिए ये मैं भी टेस्ट कर रहा हूँ, ये मेरा ब्लू के साथ ब्लू रहेगा, देखिए ऐसे तरह ब्लू हो रहा है, ब्लू जल रहा है, उसको व्हाइट के पास व्हाइट, ये देखिए व्हाइट कलर, और ग्रीन के पास ग्रीन, और रेड के पास रेड, देखिए और वार्म हाइट के पास वार्म हाइट, देखिए सभी लाइट ऐसे तरह मैं लगा कर रखा हूँ। तो देखिए ऐसे तरह रखना चाहिए, रख देने के बाद आपको क्या कर देना होगा दोस्तों, आपको सोल्डरिंग अभी करना होगा। तो ये मेरा सोल्डर हो गया, तो ये जो मैं मार्किंग कर रहा हूँ सिर्फ LED लगाने के लिए, उसके बाद वो मार्किंग का कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप वहीं पर आपको सोल्डर रख देना चाहिए और उसका लिए पेस्ट आपको यहाँ पर रख देना चाहिए। तो उसका लगा देने के बाद देखिए पहले आपको अलग सा कलर तार लेना होगा, क्योंकि पहले से ही मैं जो 5mm का LED लाइट लगा रखा हूँ उसका जो नेगेटिव कनेक्शन करूँगा, यहाँ पे मैं सिर्फ सीरीज में लगाऊँगा 50 LED, उसके बाद नेगेटिव कनेक्शन और एक जगह में करूँगा। तो वही मेथड भी वो जो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा उसको भी जाकर पहले देख लीजिए।
तो इसके लिए मैं ये अलग से तार लेके रखा हूँ, नेगेटिव कनेक्शन में अलग का रखा हूँ। तो देखिए इस जो एक नंबर एलईडी मेरा वार्म आईडी है, वहीं पे मैं ये जो ब्लू कलर के तार जो अलग सा कलर तार है वहीं पे मैं न्यूट्रल के पास सोल्डरिंग करके रखा हूँ। देखिए ये मेरा सोल्डर हो गया। तो सोल्डरिंग कर देने के बाद उसके बाद ये सभी तार आपको इस जगह में आपको तार चाहिए। तो इसका सभी 12 एलईडी का जो सॉरी 11 एलईडी का जो नेगेटिव साइड है, ये वाला जो नेगेटिव साइड है उसी नेगेटिव साइड को आपको ये तार के साथ कनेक्शन पहले कर देना होगा। तो ऐसे तरह होगा उसका कनेक्शन। तो मैं इसको यहाँ पे नेगेटिव कनेक्शन कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों ये तार को यहाँ पे और एक तार को तीसरे वाली एलईडी का नेगेटिव साइड में कनेक्शन करके रखा हूँ। सिर्फ सोल्डरिंग कर दीजिए, उसके बाद उसको छोड़ दीजिए। आपको ध्यान देना होगा अच्छे से यहाँ पे सोल्डरिंग करना चाहिए। तो इसी तरह होगा। तो दोस्तों ये मैं नेगेटिव कनेक्शन करके रखा हूँ। आपको एक बात बताने के लिए भूल गया हूँ। तो दोस्तों देखिए मैं जो स्टैंड में पहले से ही करके रखा हूँ ये मेरा 4 एलईडी के लिए, तो इसलिए मैं 12 लगा रखा हूँ, क्योंकि रेड ग्रीन ब्लू व्हाइट लगाऊंगा, उसके बाद रेड ग्रीन ब्लू व्हाइट, उसके बाद रेड ग्रीन ब्लू व्हाइट, ऐसी तरह चलेगा तो सीरियली हो जाएगा। तभी मैं अभी मैं 5 लाइट ले रहा हूँ इसलिए 12 ठीक नहीं रहेगा। इसलिए आपको 10 क्लैंप आपको लेना होगा। देखिए इसी 10 तार लेना, क्योंकि 10 तार क्यों लेना होगा, आपको 5 लाइट लेना चाहिए। तो मेरा वार्म हाइट ब्लू व्हाइट ग्रीन रेड ये 5 चला गया। उसके बाद आपको वार्म हाइट ब्लू व्हाइट ग्रीन रेड, उसके बाद जो सीरीज 10 लाइट सीरीज में लगाने के बाद आपका जो लाइट आ रहा है ना, तो उसके बाद रेड के बाद आपको वार्म हाइट लगाना चाहिए। तो हमारा जो यहाँ पे जो लगा रखा हूँ ये जो वार्म हाइट ब्लू अभी जो लगा रखा हूँ लगाऊंगा, तो उसके बाद आपको वार्म हाइट लगाना चाहिए यहाँ पे। तो इसलिए वे दो को मैं अलग सा रखा हूँ, यहाँ पे मैं कनेक्शन नहीं करूँगा, ये सिर्फ रेड लूँगा। रेड के बाद जो भी मैं उसके बाद सीरीज कनेक्शन करूँगा फिर वार्म हाइट के बाद इसी सीरियली चलेगा। तो इसलिए मैं 10 क्लैंप ले रखा हूँ। तो वही बात बताने के लिए मैं यहाँ पर रखा हूँ। तो देखिए उसके बाद देखिए ये मेरा सभी नेगेटिव के तार मैं उसको ऐसे तरह कनेक्शन करके रखा हूँ। तो ये चला गया नेगेटिव। तो मेरा वार्म हाइट के लिए मैं पहले उसका कैप ले रहा हूँ। देखिए मेरा वो जो वार्म हाइट हो गया ना, ये जो देखिए वार्म हाइट के लिए यहाँ पे जो पिंक कलर तार लेना होगा उस वार्म हाइट के पास ऐसे तरह आपको कैप को लेना होगा और इसका अंदर इसको ऐसे घुस देना होगा। और ब्लू कलर के लिए ब्लू कलर कैप लेना होगा। देखिए ये ब्लू कलर के तार इसके बाद यहाँ पे डाल देना, क्योंकि आपको देखना होगा कि उसका लाइट के पास आपको उसी का अंदर आपको उसी कलर का कैप लेना चाहिए। तो मेरा ब्लू कलर के लाइट के पास ब्लू कलर कैप रहेगा, वार्म हाइट के पास मेरा ये जो पिंक कलर रहेगा और व्हाइट कलर के पास व्हाइट कलर एलईडी रहेगा। तो उसके बाद आपको क्या करना होगा, कैप को तार के अंदर घुसा देने के बाद उसका जो ब्लू कलर का जो नेगेटिव कनेक्शन आएगा इस पिंक कलर के ये जो वार्म हाइट का पॉजिटिव जो कैप के अंदर डालकर यहाँ पे मैं कनेक्शन करूँगा। इस तार को आप कटर से जरिए भी छिल सकते हो और दांत के जरिए भी आप छिल सकते हो। तो ऐसे छिल कर इसको ऐसे तरह टाइट कर दीजिए। देखिए ये चला गया। उसके बाद आपको व्हाइट कलर कैप लेना होगा, उसके बाद ग्रीन कलर लेना होगा, उसके बाद रेड कलर लेना होगा। तो देखिए व्हाइट कलर के पास मैं व्हाइट कलर कैप ले रहा हूँ और उसके बाद ब्लू कलर को यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैं ब्लू कलर को लगा रखा हूँ और उसके बाद ग्रीन कलर जो तार ले रहा हूँ ग्रीन कलर के पास ग्रीन कलर का कैप लगा रखा हूँ और ये ब्लू कलर के जरिए, क्योंकि इसका जो पॉजिटिव उसका नेगेटिव के साथ कनेक्शन रहेगा वो तो आपको सीरीज में लगाना होगा। तो सीरीज कनेक्शन आपको नहीं जान पा रहा है तो मैं इस डायग्राम देखिए देख लीजिए इस डायग्राम को, उसी डायग्राम के मदद से ये सीरीज लाइट कनेक्शन हो जाएगा। उसी डायग्राम को पहले देख लीजिए उसके बाद सीरीज कनेक्शन हो जाएगा। ये मैं आपको आसान तरीका से बताने के लिए इस वाला मेथड में आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये तो 5 एलईडी का 5 कलर का एलईडी कैप चला गया। उसके बाद फिर से वार्म हाइट के लिए उस जो पिंक कलर का तार कैप ले रखा हूँ, उसके बाद ब्लू कलर, ब्लू के बाद ये व्हाइट, तो देखिए ब्लू कलर के बाद ये ब्लू कलर कैप, ब्लू कलर के बाद जो ब्लू कलर कैप चलाया, उसके बाद व्हाइट कलर के कैप, व्हाइट कलर एलईडी के लिए ये व्हाइट कलर लेके यहाँ पे इसका ब्लू कलर का पॉजिटिव साइड का जो होल है कैप का उसी का अंदर ब्लू कलर का नेगेटिव ऐसे तरह लगा देना होगा। और ग्रीन रेड ऐसे तरह चला गया, तो वो मैं बाद में बताऊँगा। तो उसके बाद इसको छील दीजिए। तो मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो देखिए दोस्तों सभी तार को ऐसे तरह कैप का अंदर घुसा कर ये देखिए ऐसे तरह छील दिया हूँ।
छील देने के बाद आपको ये जो पेस्ट आपको कैसे लगाना होगा, छील देने के बाद यहाँ पे टाइट करके मुड़ दे क्योंकि ये बाद में नहीं निकल जाएगा, तो इसको ऐसे तरह आपको पेस्ट को लगा देना चाहिए और एक एक बार नहीं करना चाहिए, आपको एक ही बार में सभी पेस्ट को ऐसे तरह लगा देना है क्योंकि शोल्डरिंग करने में ये बहुत ही मदद करेगा। ये जो पेस्ट शोल्डरिंग जो कनेक्शन हो रहा है ना, दोनों जो तार और जो एलईडी का लीड वो आपस में अच्छे तरह से कनेक्शन हो जाएगा पेस्ट देने के बाद। तो ये मैं पेस्ट लगा रखा हूँ, उसके बाद आपको कनेक्शन कैसे तरह करना होगा दोस्तों, देखिए। तो ये मेरा पिंक कलर एलईडी है, मेरा वार्म हाइट, उसी के पास जो तार निकल रहा है उस वाली एलईडी लीड के साथ आपको लगा देना चाहिए। तो उसके बाद जो ब्लू कलर है, थोड़ा शोल्डर ले जाइए, उसके बाद ब्लू कलर के पास लगा देना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, मैं पेस्ट नहीं ले रहा हूँ क्योंकि पहले से ही मैं पेस्ट तार में लगा रखा हूँ। तो दोस्तों ये वाला आपको बहुत ही आसान होगा शोल्डरिंग करने में, कोई दिक्कत नहीं होगा बीच में भी, तो इसलिए मैं आपको ऐसे तरह मेथड बता रहा हूँ। तो ये देखिए, सभी तार जहाँ जहाँ भी है मैं कनेक्शन कर रहा हूँ। ये मेरा ग्रीन कलर यहाँ पे चला गया, तो ग्रीन कलर यहाँ पे शोल्डरिंग कर रहा हूँ। ग्रीन कलर के बाद ये मेरा व्हाइट कलर चला गया, तो व्हाइट कलर का भी मैं यहाँ पे लगा रखा हूँ। तो व्हाइट कलर के बाद ये मेरा ब्लू कलर, ब्लू कलर का भी यहाँ पे लगा रखा हूँ। तो ऐसे तरह हो गया, देखिए दोस्तों शोल्डरिंग मैं कर चुका हूँ, लगभग सर गया है, खत्म हो गया है मेरा शोल्डरिंग। तो देखिए दोस्तों ये चला गया, चलाने के बाद और एक बार आपको शोल्डरिंग कैसे होता है सीरीज का कनेक्शन मैं बता रहा हूँ। देखिए मैं कैसे तरह इसको सीरीज में कनेक्शन हो गया। तो और एक बात आपको ध्यान देकर देखिए इस और एक बार। तो देखिए मेरा नेगेटिव कनेक्शन यहाँ पे चला गया, उसका जो पॉजिटिव आ गया वार्म हाइट का जो पॉजिटिव और ब्लू कलर के साथ चला गया। देखिए वार्म हाइट का पॉजिटिव यहाँ पे चला गया और ब्लू कलर के साथ नेगेटिव के साथ कनेक्शन हो गया। ब्लू कलर का जो पॉजिटिव चला गया, उसके बाद तीसरा वाला एलईडी का जो व्हाइट कलर है ना, उसी का नेगेटिव के साथ कनेक्शन हो गया और व्हाइट कलर का जो पॉजिटिव तार आ गया उस कैप का अंदर। देखिए कैसे तरह डाल चुका हूँ, देखिए कैप का अंदर रह गया, आप ऑटोमेटिक इसका अंदर जब भी आप गांठ मारेंगे इसका अंदर डाल जाएगा। तो ये देखिए ग्रीन कलर का नेगेटिव के साथ कनेक्शन हो गया और ग्रीन कलर का पॉजिटिव रेड कलर के साथ ये इसी तरह कनेक्शन हो गया। इसी तरह सभी लाइट आपको कनेक्शन करना होगा। उसके बाद आपको सब क्लाम को जो लाइट को क्लाम के अंदर खोल देना होगा दोस्तों, देखिए क्लाम के बाहर कर देना होगा। और जो लास्ट वाले एलईडी को आपको गांठ मारना कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको ब्लू कलर जो एलईडी है उसको अच्छी तरह से आपको उसका कैप का अंदर एलईडी को गला दीजिए और उसका अंदर डालकर आपको अच्छे तरह से आपको इसी तरह गांठ मार देना होगा। क्योंकि ये जो गांठ इसलिए मार रहा हूँ क्योंकि आप जो बिल्डिंग और जहाँ भी आपको इसको डेकोरेट करेंगे तो ये इधर उधर होकर कोई बंदा इसको खींच देगा तो ये ऑटोमेटिक शोल्डरिंग खस जाएगा। शोल्डरिंग तो नहीं खसेगा, इसका तार जो होता है ना, इसका शोल्डरिंग तो तार और लीड का अंदर जो तार वही टूट जाएगा और बीच में भी कट जाएगा। इसलिए मैं गांठ मारा हूँ क्योंकि ये शोल्डरिंग के पास कोई इतना भी प्रेशर नहीं डालेगा, इसलिए मैं गांठ मार के रखा हूँ क्योंकि जब भी जो प्रेशर पड़ेगा उस गांठ का ऊपर पड़ेगा, तो तार का ऊपर पड़ेगा और एलईडी को कुछ नहीं होगा। इसी तरह आपको गांठ मार देना होगा दोस्तों। देखिए ये तो बहुत टाइम लग जाएगा सभी मारने के लिए। तो ये देखिए ये मेरा रेड कलर हो गया, तो और लास्ट वाली एलईडी है तो इसलिए मैं दोनों तार रखा हूँ, तो इसको भी इसी तरह गांठ मार देना होगा। तो उसके बाद आपको क्या कर देना होगा दोस्तों, गांठ मार देने के बाद फिर एक बार आपको ये वार्म हाइट एलईडी लगाना होगा, फिर ब्लू कलर और व्हाइट कलर, ग्रीन कलर, रेड कलर, वार्म हाइट, ब्लू, व्हाइट, ग्रीन, ऐसे तरह आपको लगा देना होगा। लगा देने के बाद दोस्तों देखिए, लगा देने के बाद फिर मैं जैसे तरह पहले वाली पार्ट में जो कनेक्शन कर रहा था उसी तरह आपको यहाँ पे भी कनेक्शन करना होगा। कैसे तरह करना होगा, मेरा रेड कलर हो गया, इसी रेड कलर के बाद देखिए मेरा जो रेड कलर के बाद वार्म हाइट आ रहा है, तो ये मेरा लास्ट जो रेड कलर, देखिए ये मेरा रेड कलर एलईडी, इसका जो पॉजिटिव वार्म हाइट के साथ नेगेटिव पे कनेक्शन होगा। तो वहीं पे फिर इस बार इसी तरह शुरू कर दीजिए और इसी रेड के पास एंड कर दीजिए। फिर इसी बार पाँच बार करना होगा, आपको 50 एलईडी सीरीज में लग जाएगा। लगा देने के बाद अच्छे से शोल्डरिंग कर दीजिए, लगा देने के बाद ऐसे तरह आपको दिखेगा। तो देखिए दोस्तों मैं लगा कर आपको दिखा रहा हूँ, ऐसे तरह आपको दिखेगा, गांठ मारकर रख दीजिए ऐसे तरह आपको देखेगा। तो देखिए सभी लाइट को मैं ऐसे तरह जो स्टेप बाय स्टेप में करके रखा था ना, ब्लू कलर के पास ब्लू, रेड कलर के, ग्रीन कलर के एलईडी के पास ग्रीन कलर के और व्हाइट कलर के एलईडी के साथ
व्हाइट कलर कैप। तो ऐसे तरह करके मैं गांठ मार के रखा हूँ, और लास्ट में जो एलईडी आ रहा है वो लास्ट में आपको एक गांठ मार देना होगा इसका पॉजिटिव। उसके बाद आपको ऐसे तरह फोल्ड कर दीजिए दोस्तों, ऐसे करके मैं फोल्ड करके आपको दिखा रहा हूँ, इसी तरह फोल्ड कर देना होगा आपको। और दोस्तों देखिए, इसको फोल्ड कर देने के बाद इसी तरह देख गया, देखिए इसी तरह हो गया। ये 25-25-50 एलईडी सीरीज में लगा रख कर रखा हूँ, और ये मेरा नेगेटिव का कनेक्शन यहाँ पे होगा, और यहाँ पे जो मैं गांठ मार के रखा हूँ वो एक से तार में दिखा रहा था, जो गांठ मार के रखा हूँ इसका अंदर कहाँ चला गया, वहीं पे देखिए ये वाला जो है ये इसका पॉजिटिव इनपुट होगा। तो ये तो मेरा सीरीज सिर्फ सीरीज का कनेक्शन करके देखा रहा था। तो आपको नेगेटिव कनेक्शन करने के लिए और एक वीडियो देखना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे चुका हूँ, वहीं पे देख लीजिए नेगेटिव कनेक्शन कैसे करेंगे आप। मैं एक मशीन तैयार कर रहा हूँ, उसी मशीन के जरिए मैं नेगेटिव कनेक्शन करूँगा। तो इस आई बटन को क्लिक कीजिए, वहीं पर भी मैं उसका लिंक दे चुका हूँ, और डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिए, पहले उसको देख लीजिए, और इसी तरह वहाँ जैसे तरह हो रहा है वो वीडियो में, इसी तरह आपको ये लाइट भी उसी तरह आपको नेगेटिव कनेक्शन करना होगा। नेगेटिव कनेक्शन कर देने के बाद ये लाइट देखिए, इस लाइट को जो न्यूट्रल कनेक्शन कर देने के बाद ऐसे तरह देखेगा। तो दोस्तों आपको ये जो न्यूट्रल का कनेक्शन देखा, वो जो लिभिया तार ले रहा था ना, वो 5 mm के लिए ली। तो आप 8 mm लाइट बना रहे हैं तो उसका वजन थोड़ा ज़्यादा होगा, इसलिए आपको वही तार जो तार आपको यहाँ पर लगा रखा है ना, वो येलो कलर का तार, उसी तरह आपको लेना होगा जो YRC का 7x36 का तार। ये तरह ऐसे तरह खोलकर आपको न्यूट्रल का कनेक्शन कर देना होगा। तो न्यूट्रल का कनेक्शन करने के बाद वो जो तार देखिए यहाँ पे जो अलग सा कलर तार में रखा था ना, वहीं पे लगाकर न्यूट्रल का कनेक्शन कर रहा हूँ। और लास्ट में देखिए ये वाला दोनों जो निकलेगा, ये वाला एक येलो कलर का हैगा और एक ग्रीन कलर का होगा। तो ये मेरा येलो कलर का जो है इसका पॉजिटिव, और ये इसका नेगेटिव। तो ये देखिए मेरा सर्किट ये वाला है, तो सर्किट का जो कनेक्शन करूँगा, तो ये मेरा डिब्बा है सर्किट का डिब्बा, और ये मेरा सर्किट। सर्किट का ऊपर भी मैं एक वीडियो डाल चुका हूँ मेरी चैनल में, और इस आई मार्क को भी जाकर देख लीजिए, और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे चुका हूँ, जाकर देख लीजिए। वो सर्किट को डायग्राम, सर्किट आप कैसे बनाएंगे अपने घर, तो वो पहले देख लीजिए, उसके बाद सर्किट का कनेक्शन आप अपने आप समझ जाएंगे। तो मैं इसको सिर्फ कनेक्शन करके दिखाऊँगा। तो एक बार मैं आपको बता रहा हूँ कि ये देखिए, ये जो सर्किट PF के पास जो आ रहा है ना, इस PF के पास जो ये इसका इनपुट होगा AC इनपुट, ये दोनों AC इनपुट और ये DC आउटपुट निकलेगा। ये इसका पॉजिटिव और ये इसका नेगेटिव, ये इसका नेगेटिव, ये इसका पॉजिटिव, इसी तरह इसका निकलेगा आउटपुट। तो पहले मैं AC का तार जो दोनों लगाऊंगा उसका अंदर, उसका कनेक्शन पहले कर दे रहा हूँ। तो कर देने से पहले आपको डिब्बा का जो नीचे वाली जो है ना, ये जो वहीं पे आपको दोनों होल कर देना होगा, क्योंकि उसी का अंदर तार जाएगा। तो इसका अंदर घुसेगा दोनों तार, सर्किट के लिए और एक लाइट के लिए। तो ये देखिए दोनों होल में करके रखा हूँ। तो उसके बाद वो AC को मैं कनेक्शन करूँगा यहाँ पे। तो AC जो दोनों रेड कलर तार में अलग सा ले रहा हूँ, ये मेरा AC का तार होगा जो सर्किट को उसी सप्लाई देगा। तो इसको मैं पहले इसके साथ सोल्डरिंग कर रखा हूँ। कर देने के बाद उसका जो लाइट का जो AC पॉजिटिव और नेगेटिव निकलेगा, वहीं पे मैं लगाऊंगा। तो देखिए ये मेरा AC का कनेक्शन मैं कर रखा हूँ यहाँ पे, दूसरी वाली जो यहाँ पे। तो ये कनेक्शन आप नहीं समझ पा रहे तो मेरी सर्किट का वीडियो देख लीजिए एक बार, वो समझ में आ जाएगा। तो ये चला गया, चला जाने के बाद यहाँ पे एक आपको गांठ मार देना होगा, ऐसे तरह गांठ मार देना होगा, क्योंकि जब ये डिब्बा का अंदर घुसेगा तो उसका सर्किट का ऊपर कोई लोड नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं गांठ मार रहा हूँ। और इसी तरह रहेगा, देखिए इस डिब्बा का जो होल हो गया ना, उसी होल का अंदर इसको उससे अंदर डाल दीजिए तार को। उसके बाद जो आ रहा है दोस्तों, ये मेरा जो आ रहा है क्या, कि ये जो सीरीज लाइट का जो पॉजिटिव नेगेटिव जाएगा, इसी का कनेक्शन होगा। तो उसका भी आप दोनों तार को यहाँ पे इसी होल का अंदर इसी तरह लगा दीजिए, और लगा देने के बाद यहाँ पे भी आप गांठ मार दीजिए, क्योंकि जो ये आप यहाँ पे भी प्रेशर नहीं पड़ेगा, तो जो प्रेशर पड़ेगा तार का ऊपर पड़ेगा, सर्किट का शोल्डर का ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे इसी तरह लगा कर सामान से इसको छील दीजिए,
सिल देने के बाद इसको सोल्डरिंग कर देना होगा यहाँ पे। तो देखिए ये मेरा नेगेटिव ये वाला तार है, नेगेटिव को यहाँ पे लगाऊंगा और पॉजिटिव को यहाँ पे लगाऊंगा। तो इसको मैं सोल्डरिंग करके आपको दिखा रहा हूँ। देखिए नेगेटिव के साथ और पॉजिटिव जो आ रहा है, सावधानी से आपको यहाँ पे सोल्डरिंग करना होगा क्योंकि आपस में शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। और दोस्तों यहाँ पे भी जो वोल्टेज निकल रहा है ना सर्किट के लिए, जो सीरीज लाइट का जो जा रहा है, ये लगभग 180 से 190 एसी वोल्टेज डीसी का सप्लाई जा रहा है, जो कि बहुत ही डेंजर होगा। तो ये सर्किट का तो लगाने के बाद यहाँ पे मार्क कर दीजिए, तो क्योंकि ये ठिप्पी बाद में नहीं निकल जाएगा, इसलिए इसी तरह इसको मेल्ट करके लगा दीजिए। उसके बाद आपको टेस्ट कर देना होगा। तो पहले मैं एसी से इसको कनेक्शन करके आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों देखिए, तो ये तो मैं यहाँ पे टेस्ट कर रहा हूँ। आपको साइड में देखिए जो वीडियो आप देख रही है वो वाला भी इसी तरह भी वो जलेगा। तो देखिए ये चला गया, देखिए इसी तरह ये जलेगा। लाइट में थोड़ा लाइट अप कर देता हूँ। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप देखिए कितना शानदार जल रहा है ना, मल्टी कलर का जो सिंगल कलर होता है उसी तरह मल्टी कलर जैसा जल रहा है। तो यहाँ पे देखिए मैं जो देखा रहा हूँ कि जो भी कैप के जो हो रहा है ना, ये मेरा वार्म हाइट के लिए व्हाइट कलर के लिए व्हाइट कलर जल रहा है, व्हाइट कलर का कैप, रेड कलर जल रहा है, रेड कलर का कैप। और दोस्तों इसको सावधानी से लगा देना होगा। तो दोस्तों ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना। तो ये तो है मेरा सीरीज का कनेक्शन हो गया 50 एलईडी सीरीज में जो लगा कर दिखा रहा हूँ। उसके बाद जो सर्किट का इसका जो 8mm का जो सीरीज लाइट का सर्किट, मैं उसका ऊपर भी वीडियो डाल चुका हूँ, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, जाकर देख लीजिए। और नेगेटिव कनेक्शन कैसे करेंगे, ये तो मैं सिंगल पीस का तार कनेक्शन कर दिया सीरीज में, उसका जो नेगेटिव कनेक्शन आप करेंगे उसका भी मैं वीडियो डाल चुका हूँ चैनल पर, और जाकर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन भी लिंक दे चुका हूँ, जाकर देख लीजिए। और सारा बहुत सारा वीडियो मैं डाल चुका हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना, और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए और फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले मिलते हैं अगले वीडियो में।